अगर आपने सर्दियों के पौधों को लगाने की शुरुआत नहीं की है तो जल्दी करिए, वरना लेट हो जाएगा आप। और ये देखिए पिटूनिया लगाया है मैंने। सर्दियों में तो ढेरों तरह के पौधे आते हैं, बहुत सारे कलर वैरायटी के, तो आपको जो पसंद हो क्या, बहुत सारे सभी लोग सभी तरह के पौधे लगाते हैं, लेकिन जो पसंद हो सबसे पहले लगाइए। आप इस तरह के छोटे पौधे भी ला सकते हैं, सस्ते मिलते हैं, और इस तरह के बड़े पौधे भी लेकर के आइए, थोड़े से महंगे मिलते हैं। ये 30-35 में मिलते हैं और ये 10 रुपये का एक पौधा है। तो ये फूल के हर तरह के पौधों में इस तरह की वैरायटी आती है, बड़े भी आते हैं और छोटे भी आते हैं। तो ये मैंने पिटूनिया लगाया है और आज मैं एक पौधा लगाने जा रही हूँ। ये देखिए ये पैंजी है, तो ये पैंजी के पौधे में 10 रुपये का एक पौधा लेकर के आई हूँ। 10 रुपये के एक पौधे लगाएंगे, खैर इसमें एक नुकसान होता है कि इसमें कलर नहीं पता चलता है कि आपके पास ये पौधे जो हैं किस कलर के हैं, क्योंकि इसमें फूल नहीं खिला है। किसी किसी में बाय चांस फूल खिले होते हैं तो आपको पता होता है कि किस कलर का है। इसमें पैसे बचते हैं कि आपको 10 रुपये में एक पौधा मिल जाता है। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसको सॉइल मिक्सचर क्या होना चाहिए देखिए मैं बताती हूँ। इससे पहले तो मैंने ये पॉट लिया है, इसमें तीनों पौधों को एक साथ लगाऊंगी, क्योंकि पैंजी का पौधा बहुत बड़ा नहीं होता है और जड़ें इसकी बहुत गहरी नहीं होती हैं, इसलिए मैंने छिछला पॉट लिया है लगाने के लिए। और एक ही में मैं तीन लगाऊंगी पौधे, क्योंकि एक में अगर तीन लगेंगे ना तो अगर तीन कलर के भी होंगे या दो कलर के भी तो भी बहुत सुंदर पूरा एक नहीं फ्लावर पॉट अच्छे जिसमें कई कलर के पौधे होते हैं उस तरह का सुंदर सा लगेगा। और इसको सॉइल मिक्सर के लिए देखिए मैंने इसमें गार्डन सॉइल है ये और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट है और बालू है मैंने मिलाकर रखा हुआ है इसमें, तो मैं इसी को इसमें डालूंगी। ये देखिए मैंने इसमें ये जो गार्डन सॉइल था इसमें मैंने मिला लिया है। अब मुझे तीन पौधे लगाने हैं तो मैं तीन जगह जगह से होल कर लूंगी और उसमें इन पौधों को शिफ्ट कर दूंगी। इसमें से पौधे निकालना बहुत ही आसान होता है, देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से ही इसको ऐसे प्रेस करिए और देखिए निकल गया, पूरी जड़ें आई हुई है इसमें। ये देखिए मैंने तीनों पैंजी के पौधों को लगा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और एक दो दिन तक इसको सेमी शेड एरिया में रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे, क्योंकि पौधे बहुत छोटे हैं और जो है कि अभी नए नए लगे हैं तो इनको धूप अभी नहीं चाहिए होगी, एक दो दिन बाद इनको धूप में रखेंगे। पैंजी के पौधों को आप इतने बड़े से छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से वो ग्रो करते हैं और फ्लावरिंग करते हैं, तो इसलिए मैंने ये पॉट लिया है। और इसमें थोड़ा सा मेरे पास शॉर्टेज भी है पॉट्स की, क्योंकि पौधे ज़्यादा लगाने हैं मुझे और गमले कम है, इसलिए मैं ऐसा लगा रही हूँ कि एक एक पॉट में दो तीन तीन पौधे शिफ्ट कर दे रही हूँ। आपने भी अगर पैंजी के पौधे अभी तक नहीं लगाए हों तो जल्दी करिए। थैंक यू।